सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के वो जीरो बिन। तो अपडेट के बाद से गाइस, यहाँ पे गाइस काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे करेक्टर बंडल्स को लेके। काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले जो है अपडेट से पहले करेक्टर बंडल्स जो है नहीं खरीदे थे, और यहाँ पे जो है अपडेट आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि करेक्टर बंडल का जो सेक्शन है वो गेम से रिमूव हो चुका है। अब प्रॉब्लम गाइस ये है कि गाइस अब यहाँ पे जो नए बंदे हैं, जैसे कि जिन लोगों ने गोल्ड वगैरह इकट्ठा कर रखा था, सोच रहे थे अपने मनपसंद करेक्टर्स के बंडल खरीदेंगे, तो वो लोग गाइस अब यहाँ पे जो है बंडल परचेज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ आपको करेक्टर खरीदने का ऑप्शन दे रखा है और बंडल का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे गाइस सवाल ये है कि आप बंडल्स को कैसे खरीदोगे अगर आपके पास कोई करेक्टर का बंडल नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात तो है नहीं इस छोटी सी चीज़ के लिए। यहाँ पे गाइस हुआ क्या है कि गाइस गरेना ने क्या किया है कि करेक्टर्स के बंडल को रिमूव इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो करेक्टर के बंडल्स हैं गाइस वो आपको जो है आप गोल्ड से नहीं खरीदने पड़ेंगे। हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, जितने भी करेक्टर्स के जो बंडल हैं वो आप पहले गोल्ड से खरीदते थे, उनको आपको गोल्ड से खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में जितने भी फ्री फायर के करेक्टर्स आएंगे उनके जो भी बंडल होंगे गाइज़, उनको भी आपको अलग से डायमंड या गोल्ड लगा के खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो गाइज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ आपके पास जो भी करेक्टर हो उसका अगर आपके पास बंडल नहीं है तो आपको बंडल यहाँ पे पहन लेना है। आपको करना है कि आपको डिफ़ॉल्ट क्लोज को सिलेक्ट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट क्लोज यहाँ पे होते हैं, आप देख सकते हो नीचे की साइड, आपको जो है आपके पूरे बंडल की जैसे पैंट, टी शर्ट, शूज़, हर चीज़ का एक डिफ़ॉल्ट क्लोथ मिलता है। तो हर करेक्टर का एक डिफ़ॉल्ट क्लोथ होता है गाइज़, वो इसका जो है मेन बंडल ही होगा। यानी कि आप जब भी कोई भी करेक्टर खरीद के उसके डिफ़ॉल्ट क्लोथ पहनोगे, उसका बंडल ही आप पहनोगे एक तरीके से, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे गाइज़ आपको बंडल वगैरह खरीदने की आपसे ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट जो है करेक्टर को परचेज़ कर लेना है, या तो गोल्ड से या फिर डायमंड से अगर आप नए करेक्टर्स को परचेज़ करते हो। बस यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको उसका बंडल पहनना है तो यहाँ पे गाइज़ उसका डिफ़ॉल्ट क्लोथ यहाँ पे लगा लेना, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट क्लोथ यहाँ पे सबसे नीचे की साइड होते हैं, हर करेक्टर का अलग डिफ़ॉल्ट क्लोथ होता है जो कि गाइज़ आप पहन सकते हो। कोई भी करेक्टर आप अपना ट्राई करके देख लेना, अभी जाकर गेम खोल कर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्लोथ पहनना, आपको उसका बंडल ही दिखेगा, ठीक है। और ये कोई ग्लिच नहीं है गाइज़, गरेना ने अपडेट जो आया है उसके पैच नोट्स में भी ये चीज़ बताई हुई है कि ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो मैं कोई ये ग्लिच नहीं बता रहा हूँ आपको, ये गरेना ने ही चेंज किया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई हो बंडल वाली, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। ओके बाय।